सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम डायलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में यदि कोई सा भी क्वेश्चन आ गया टाइम डायलेशन से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि एट व्हाट स्पीड। पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। अगर आपको टोटल वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, प्ले लिस्ट की लिंक दे रहे हैं, टोटल आप जाकर देख सकते हैं। जब तक आप टाइम डायलेशन का पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं समझ में आया क्योंकि वहाँ पर हमने फार्मूला डिराइव किया है। एट व्हाट स्पीड, किस स्पीड से ए क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम शुड मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। किस स्पीड से, मान लो कोई क्लॉक है, कोई घड़ी है जो कि किस ऐसे ऑब्जेक्ट पर रखी गई है जो कि मूव कर रहा है, वह ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए कि इट मे सीम टू लॉस 1 मिनट पर डे, वह 1 मिनट पर डे लॉस करता जाए। आपने पिछले वीडियो में देखा था t इज ग्रेटर देन t नॉट, मतलब एक स्पेसशिप लिया था यहाँ पर, ये मान लो स्पेसशिप था, मतलब एरोप्लेन मान लो या फिर रॉकेट मान लो, और एक यहाँ पर मैन खड़ा हुआ था ऑब्जर्वर। हमने बताया था इसमें जो टाइम है, इसकी हाथ में जो घड़ी लगी है टी, और इसमें जो घड़ी रखी है ये टी नॉट मेजर करती, मतलब रेस्ट पर जो है उसकी टाइम ज़्यादा है किसकी अपेक्षा जो मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर ही बता रहा है, जब यहाँ पर है तो 1 मिनट पर डे, हर एक दिन 1 मिनट कम टाइम बता रहा था ये जो स्पेसशिप पे घड़ी रखी थी। तो वह स्पेसशिप मान लो, स्पेसशिप ही मान लो या रॉकेट मान लो, कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए यही पूछ रहा है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है हमको। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं किस प्रकार हमें फाइंड होगी। लिखेंगे सॉल्यूशन। हम जानते हैं एज वी नो दैट, लिखेंगे एज वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, 24 into 60 बराबर 1440 मिनट, यही तो होगा ना, 1440 मिनट पर डे होते हैं। ये वैल्यू दे रहा है एक्चुअल टाइम टी, ये वैल्यू है 1440 मिनट। लेकिन जो हमारा स्पेस शिप पे जा रहा है 1 मिनट पर डे लॉस कर रहा है, लिखेंगे सिंस क्लॉक लॉस 1 मिनट पर डे, सो इट ऑब्जर्व या इट मीजर या मीजर करेगी जो टी नॉट होगी, मतलब स्पीड से मूव कर रहा होगा मूवमेंट में, ये 1 मिनट पर डे मूव कर रही है। जैसे ये 14 मिनट पर डे होता है ना, हर एक डे में इतने मिनट होते हैं, तो टी नॉट इक्वल टू ये 1440 मिनट है, तो हर एक दिन वो 1439 मिनट ही मूव, 1449 मिनट पर डे मीजर करेगी, हर एक दिन वो 1439 मिनट ही मीजर करेगी, मतलब हर एक दिन एक मिनट कम होता जाता है, तो मान लिया पहले दिन ये 1440 मिनट हमेशा मूव करेगा, ये पहले दिन 1439 मिनट मीजर किया। अब चलिए देख लेते हैं, सिंस हमने लास्ट वीडियो में फार्मूला डिराइव करके बता दिया था, बहुत ही सिंपल फार्मूला था, कुछ भी नहीं किया था उसमें, टी इक्वल टू टी नॉट अपान वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने डिराइव किया था। अगर नहीं आप जानते हैं तो लास्ट वीडियो देख लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1440 इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू 1439 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, या फिर इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर नीचे आ जाएगा 1439 डिवाइड बाई 1440। और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तभी तो सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग बोथ
साइड। जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू 1439 डिवाइड बाई 1440 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर किए है ना। अब देखो हम वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को उस साइड जब ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, देख पा रहे हो ना, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1439 अपान 1440 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब हम यदि निकाल लें वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि अब देखिए हमने स्क्वायर किया क्योंकि 1 माइनस में था, अब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें वी अपान सी निकालना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये निकलेगा वी अपान सी, और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1439 डिवाइड बाई 1440 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.999 का होल स्क्वायर इक्वल टू वी अपान सी। स्क्वायर करेंगे पूरे का स्क्वायर नहीं, सिर्फ इतने का स्क्वायर है, 1 माइनस 0.998 इक्वल टू वी अपान सी। जब 1 माइनस इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 में से इतना अगर घटाएंगे अंडर रूट में 0.002 इक्वल टू में वी अपान सी 0.0374 स्क्वायर रूट करने पर, इसका स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर कर दो तो इतना आ जाएगा इक्वल टू में वी अपान सी। हमें वैल्यू निकालनी थी वी की, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.0374 मल्टीप्लाई में सी, सी की वैल्यू होती है 0.0374 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 1.12 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आती है। ठीक, नोट करिए फटाफट से। क्या सर सवाल लंबा करने में आपको मज़ा आता है, तो इतने में आ जाता है। देखिए काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते ना, कुछ बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं कैलकुलेशन, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हर एक बच्चों को आना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे, तो कुछ बच्चे यहीं से नहीं समझ पाते, यहीं से वी की वैल्यू निकाल के इतना रख देते, इतना होता है कैलकुलेशन कर लो, नहीं कर पाते काफ़ी बच्चे। अब बात है थर्ड ईयर में भले पहुँचे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं कि दिमाग कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं वो लोग, इसलिए हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं, हमेशा सीखिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, आप क्रिएटिव माइंड बनिए, आपको नहीं आता नहीं आता ठीक है नहीं आता, लेकिन हमें आएगा, हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, ये दिमाग में रखिए। ऐसा अगर सोचेंगे हमें नहीं आता, हमारे पास बैठे बच्चे को आता है तो कैसे होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये सब निगेटिव रिजल्ट है। आप ऐसा सोचिए, हमें नहीं आता ठीक है नहीं आता, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे नर्सों तो आएगा, 4-6 दिन और पढ़ेंगे तब तो आएगा, काहे नहीं आएगा, जरूर आएगा आपको, आई प्रॉमिस यू। आप ध्यान से पढ़िए, समझाना हमारा काम है, नोट करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, एक बार खुद से सॉल्व करें, क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिएगा कि ए रेस्ट वॉच कोई हाथ की घड़ी है, कलाई में पहनने वाली घड़ी, रेस्ट वॉच कीपिंग करेक्ट टाइम ऑन अर्थ, अर्थ पर करेक्ट टाइम दिखा रही है, जैसे मेरे घड़ी में इस समय कितने बज रहे हैं वो समय आपको दिख रहा है, मतलब सही समय वो दिखा रहा है। ऑन अर्थ इज वॉर्न बाय द पायलट ऑफ ए रॉकेट, इज वॉर्न, वॉर्न मतलब क्या होता है, पहनना, घड़ी का पहनना वॉर्न लगता है, वॉर्न बाय द पायलट ऑफ ए रॉकेट, किसी रॉकेट के पायलट के हाथ में पहनी जाती है, जो कि धरती पर इस अर्थ पर सही समय बता रही है। हाउ मच विल इट अपीयर टू लॉस पर डे विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ व्हेन रॉकेट लीव्स अर्थ विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10^7 मीटर पर सेकंड, मतलब यदि वो 10^7 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगे वो रॉकेट, तब उस ऑब्जर्वर की अपेक्षा उसके रिस्पेक्ट में जो कि अर्थ पे खड़ा है, मतलब कोई एक मैन है जिसकी घड़ी में 8 बज रहे हैं और स्पेसशिप पे जो बैठा है, जो रॉकेट पे बैठा है, उसकी घड़ी में भी 8 बज रहे हैं, अब वो स्पेसशिप 10^7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लगे तो कितना वो
लॉस करेगा, कितने मिनट पर डे, कितने सेकंड पर डे, हर एक 24 घंटे में वही चीज़ पूछ रहा है। अभी पिछले वाले में दिखा रहा था इतना लॉस कर रहा है 24 घंटे में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी बार वेलोसिटी दिया गया, कितना लॉस करेगा, जस्ट सिंपल है सोल्यूशन, जस्ट उसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। इसमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है 10^7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू दे रहा है 24 आवर ना। टी नॉट हमें पाना है, टी नॉट निकालना है, क्योंकि स्पेसशिप का हमें टाइम निकालना है कितना वो डायलेशन हो रहा है, जिसे आप बोल सकते हो एक तरह से टी इक्वल टू 24 आवर। ठीक, और जो टाइम पैराडॉक्स वो कुछ करके आपके पॉइंट में है, टाइम पैराडॉक्स कुछ नहीं है, जस्ट उसका टाइम डायलेशन का जस्ट उल्टा होता है टाइम पैराडॉक्स, कुछ भी नहीं उसका, इसीलिए हमने थोड़ा छोटा टॉपिक था छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम डायलेशन आपको बताया था, टाइम पैराडॉक्स जस्ट उसका उल्टा है। तो टी इक्वल टू 24 आवर ना, अब देखो सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के अनुसार हम जानते हैं टी इक्वल टू टी नॉट अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1-v² अपान में सी स्क्वायर, सभी को पता है ये फार्मूला, सभी को पता है, भूलना मत इस फार्मूले को। t इक्वल टू 24 आवर रख दो, t नॉट की वैल्यू फाइंड करना है अपान में 1-v² v की वैल्यू है 10^7 अपान c की वैल्यू है 3×10^8 8 का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल जब सॉल्व करोगे t नॉट अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1-10^7 10^8 कट जाएगा तो 1/30 बचेगा, 30 का स्क्वायर, ये बालक 10^7 अपान 3×10^8 है, ये कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा, 1/30, ये 24 की इक्वल आ रहा है। और जब इसको सॉल्व करेंगे टी नॉट की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 24 मल्टीप्लाई में 1-1/30 का होल स्क्वायर, मतलब 900, ऐसा ही तो होगा। अब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24√900-1/900 ओवरऑल क्या आ जाएगा, 24√900 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 899/900, तो 24×0.998, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 24×0. मतलब 1 से बहुत ही करीब 9994। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं 0.9994 से 24 में 23.9866, ये टी नॉट की वैल्यू बच गई। अभी हमें निकालना क्या है कि कितना टाइम डायलेशन होगा, डायलेटेड होगा पर डे, तो टाइम डायलेशन निकाल पाएंगे हम कितना टाइम डायलेशन होगा, जिसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लॉस इन 24 आवर लिख देंगे, लॉस इन 24 आवर, जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, 24 में से हम घटा देंगे कितना, 23.9866। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको जैसे मान लो मिल रहा है, इधर क्या मिला है, टी नॉट की वैल्यू इतना हमें मिल गया सपोज दैट, तो टोटल जो 24 घंटा है उसमें से अगर उतना घटा दें तो कितना निकल रहा है वो पता चल जाएगा। मान लो इसमें एक टाइम है, इधर ऑब्जर्वर टाइम टी है, और इधर जो रॉकेट से मूव कर रहा है इधर टी नॉट है, ये मान लो 23 घंटे मेजर करता है और ये 24 आवर मेजर करता है, कितना कमी कर रहा है, तो 24-23 1 घंटे की पर डे कमी कर रहा है, वैसे इसमें भी किया गया है, तो 24 में जब 23.9866 माइनस करेंगे 0.134 और पर डे नोट कर लो, इतने घंटे पर डे ये हटाएगा। अगर मिनट में निकालना हो मिनट में निकाल सकते हो, एक घंटे में 60 मिनट, तो 0.134×60 मिनट पर डे, तो ये ओवरऑल आ जाएगा हमारा 8.04, नियर अबाउट 8 मिनट पर डे ये क्या करेगा, डायलेशन होगा इसमें। ठीक, टाइम का डायलेशन होगा, नोट करें फटाफट से, नोट करिए आप लोग। जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, एक बार आप करके देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। चलो हम बता रहे हैं, कह रहा है व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ पाइपलेस मिशंस मूविंग विथ स्पीड
वेलोसिटी तो दे दिया यार, v इक्वल टू 0.73 सी व्हेन देयर प्रॉपर लाइफ इज 2.5 × 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब टी नॉट इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁸ सेकेंड दे रहा है। टी की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल पाओगे? टी इक्वल टू टी नॉट अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 − v² अपान में सी स्क्वायर। टी की वैल्यू निकालोगे, टी नॉट की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁸ अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 − v², v की वैल्यू है 0.73 सी अपान कितना सी स्क्वायर, मतलब सी ये तो है ही हमारा स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 − 0.73 का होल स्क्वायर करोगे 0.53 समथिंग आएगा। जब 1 − 0.53 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁸ अपान 0.47 समथिंग में आगे जो बचेगा आप लोग लिख लीजिएगा। टी इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.68। अब जनरली डिवाइड कर दो उससे 0.68 से, जब डिवाइड करेंगे 3.66 × 10⁻⁸ आएगा, 3.66 × 10⁻⁸ किस में है, सेकेंड में, हाँ सेकेंड हो गया आंसर आपका। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से। चलिए हम बात करते हैं, ए मिशन हैज ए स्पीड ऑफ 0.8 सी, बहुत स्पीड होती है ना, अरे पूरी लाइट की वेलोसिटी सिर्फ 0.8, मतलब आपको हम दिखा दें 0.8 × 3 × 10⁸ ना, या फिर आप सिंपल देख लें 0.8 × 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चार्ज चलती है ना, किलोमीटर में अगर चेंज कर दें तो आप जब मूव कराएंगे तो एक एक जीरो तो कट जाएगा इधर लाने में, तो बचेगा चार जीरो, 1,02,340,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चार्ज, 1 सेकेंड में 2,40,000 किलोमीटर। वाह, काश हम भी बैठ के उड़ जाए, तब तो वही होगा ना, हम लोग दिखेंगे नहीं इतनी स्पीड से अगर मूव कर जाएंगे, कहाँ दिखेंगे, अभी दिखे थे ना 42,300 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चार्ज चलने पर लास्ट वीडियो में, उसके भी लास्ट था, तो इसकी स्पीड से चलने पर बहुत ही लगभग अपने लेंथ का 99% आप लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे, वाह वाह, 6 फीट के रहोगे तो उसका 99% वो भाग बचोगे इतने बड़े के। अब चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है, ये आपको दिया क्या गया, गया इमिशन हैज ए स्पीड 0.8 सी, मतलब आपको टी नॉट की वैल्यू दी जा रही है, टी नॉट कितना दिया जा रहा है 0.8 सी, और रिलेटेड टू द ग्राउंड फाइंड हाउ द मिशन ट्रेवल रिलेटेड टू द ग्राउंड इफ इट्स स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट, यदि इसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंट रहे, स्पीड कॉन्स्टेंट है, मतलब यार ये टी नॉट कहाँ ले दिया, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी स्पीड है ना, ये वेलोसिटी इसकी कॉन्स्टेंट है। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, टाइम वैल्यू दी जा रही है हमें, टी नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, टी इक्वल टू टी नॉट सब कुछ वैसे ही लगता है, 1 − v² अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 − v की वैल्यू क्या है 0.8 अपान सी का होल स्क्वायर, सी से सी मर जाएगा, क्या बचेगा 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 − 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64 बचेगा, फिर क्या बचेगा 2 × 10⁻⁸ अपान स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 बचेगा, बचा 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.6 बचेगा, जब आप इसे कट पिट करोगे तो टी इक्वल टू इतना बचा 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.6, तो ये लगभग कट जाएगा, इसे ऐसा भी लिख सकते हो ना सिंपल फॉर्म लिखने के लिए 10⁻⁸6 को लिख सकते हो 6 × 10⁻⁸ कितना, 10⁻⁸ कितना −1, हाँ −1, और इसको लिख सकते हो 20 × 10⁻⁹, क्योंकि पॉइंट जिधर राइट साइड ले जाओगे उतने पावर में माइनस बढ़ती जाती है, आप कटने में आसानी होगी कि नहीं, 6 × 3 = 18 फिर 2 बच गया 3.33 3.33 × 10⁻⁹ −9 ऊपर जाएगा
-8 टाइम की वैल्यू बच गई। ठीक, ये आ गई टी की वैल्यू। अब कह रहा है एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट रिलेटेड टू द सिस्टम इन विच इट इज एट रेस्ट। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिशंस रिलेटेड टू ग्राउंड, हमें डिस्टेंस भी निकालना है ना। चलो देख लेते हैं कितना डिस्टेंस निकलेगा। कह रहा है फाइंड हाउ फार द मिशन ट्रेवल रिलेटेड टू द ग्राउंड, तो डिस्टेंस भी निकालना है। हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है इसकी, ये रही वेलोसिटी 0.8 सी, सी की वैल्यू रख दो 3×10⁸ इंटू में, टी की वैल्यू क्या है 3.33×10⁻¹। ये तो गया बेचारा काम से, और इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0.8 मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई 3×3 = 9 मतलब 8 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा मोटा क्वेश्चन था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इच्छुक हों तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे सिंपल सा चले जाइए, सर्च कर लीजिए @UnionClass, आपको मिल जाएगा PDF नोट्स। दिल खोल के PDF डाउनलोड करो, खूब PDF मिलता है वहाँ पर। जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए सभी के PDF है। साथ साथ आपको बुक के भी PDF मिल जाएंगे, अगर आपको बुक चाहिए तो बुक के भी PDF वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप आराम से नोट कर सकते हैं। अभी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए, विवेक मिश्रा 2870 सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। साथ साथ फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को अगर लाइक करके वहाँ पर ज्वाइन किए रहेंगे तो हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे। अगर आप ट्विटर अकाउंट देखिए, देखिए बच्चों काफ़ी बच्चे ट्विटर अकाउंट नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ वो टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हैं। देखिए कारण क्या होता है, जितने बच्चे हमारे साथ ट्विटर अकाउंट पर जुड़े हुए हैं, ट्विटर अकाउंट पे मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो होता है अपने चैनल से रिलेटेड, कब कितने बजे कौन सी क्लास आएगी, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। अगर आपको इंस्टेंटली न्यूज चाहिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और हाँ खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आप लोग जीवन में हमेशा सक्सेस होते रहें।